नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ वंशिका पांडे। न्यायधानी बिलासपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चिता जलाने के लिए अब जगह कम पड़ रही है। तोरबा मुक्ति धाम के बाद अब राजकिशोर नगर मुक्ति धाम को कोविड-19 डेड बॉडी जलाने के लिए आरक्षित किया गया है। और तो और हालात इतने बदतर हैं कि अब अस्पतालों से लाशों को मुक्ति धाम ले जाने के लिए एम्बुलेंस और गाड़ियां भी कम पड़ रही हैं। बिलासपुर में 4 दिनों के अंदर कोरोना से सैकड़ों लोगों की मौतें हो चुकी है। आइए देखते हैं इस पे बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। न्यायधानी बिलासपुर में कोरोना संक्रमण नियंत्रण से बाहर निकलता जा रहा है और कहर बरपा रहा है। अस्पतालों से लाशों को मुक्ति धाम तक ले जाने के लिए गाड़ियां भी कम पड़ रही हैं। एम्बुलेंस के बाद अब ऑटो रिक्शा में लाश शमशान पहुंचने लगी है और सरकारी उदासीनता के चलते मानवता शर्मसार हो रही है। वहीं पुलिस प्रशासन भी सजग है। प्रशासन सिर्फ मरीजों को उपचार की व्यवस्था कर रहा है। पूरे जिले में सामुदायिक संक्रमण की स्थिति बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने समझाइश दी है कि लॉकडाउन और कोरोना गाइडलाइन का 100% पालन करने पर धीरे धीरे स्थिति को काबू में किया जा सकता है। वहीं प्रशासन की पोल भी खुलती जा रही है। प्रशासन की तमाम दावों के बावजूद अस्पतालों में कोविड मरीजों को बेड नहीं मिल रहा और ऑक्सीजन की तो बात ही छोड़ दो, अब भगवान ही मालिक है। तो ये थी न्यायधानी बिलासपुर से जुड़ी बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।